अपडेट करें। खबर अमेरिका में अदबी सरगर्मियों के हवाले से है। ह्यूस्टन की मशहूर और मारूफ होटल मैरियट शुगरलैंड में बज़्मे याराने सुफन इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे में मकामी और बैनुल अक़वामी शुरका ने भरपूर शिरकत की। मुशायरे के मुंतज़िम फैयाज मर्चेंट ने इसे कामयाब बनाने में अहम तरीन किरदार अदा किया। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। डॉक्टर अमीन करीम ने सूरह इखलास की तिलावत की, जबकि फैयाज मर्चेंट ने अपने खिताब में शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद करने पर खूब हौसला अफजाई मिलती है और उन्हें फखर है कि उर्दू जबान से प्यार करने वाले अब भी मौजूद हैं। फैयाज मर्चेंट ने मजीद कहा कि हमें अपनी कौमी जबान पर मजीद तवज्जो देनी होगी। जबकि महफिल में निजामत के फराइज बासित जलीली ने अदा किए। इस आलमी मुशायरे में शौरा ने अपनी दिलकश शायरी से तकरीब को चार चांद लगाए, जिसे शुरका ने बेहद पसंद किया। यहाँ आपको अपडेट करें, खबर अमेरिका में अदबी सरगर्मियों के हवाले से है। ह्यूस्टन की मशहूर और मारूफ होटल मैरियट शुगरलैंड में बज़्मे याराने सुफन इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे में मकामी और बैनुल अक़वामी शुरका ने भरपूर शिरकत की। मुशायरे के मुंतज़िम फैयाज मर्चेंट ने इसे कामयाब बनाने में अहम तरीन किरदार अदा किया। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। डॉक्टर अमीन करीम ने सूरह इखलास की तिलावत की, जबकि फैयाज मर्चेंट ने अपने खिताब में शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद करने पर खूब हौसला अफजाई मिलती है और उन्हें फखर है कि उर्दू जबान से प्यार करने वाले अब भी मौजूद हैं। फैयाज मर्चेंट ने मजीद कहा कि हमें अपनी कौमी जबान पर मजीद तवज्जो देनी होगी। जबकि महफिल में निजामत के फराइज बासित जलीली ने अदा किए। इस आलमी मुशायरे में शौरा ने अपनी दिलकश शायरी से तकरीब को चार चांद लगाए, जिसे शुरका ने बेहद पसंद किया।